दोस्तों, हमारे ये चैप्टर में हमको इतना पता होगा कि भाई स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली थोड़ा बहुत आपने 10th में भी पढ़ा है इसके बारे में कि जनरली स्टेट ऑफ मैटर 3 तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ तरह से ये जो आपके तीनों स्टेट्स हैं उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। जिसके अंदर सॉलिड सॉलिड क्यों होता है, लिक्विड लिक्विड क्यों होता है ना? तो ये कुछ चीजें आपको शायद पता होगा। फिर भी सबसे पहले यहाँ पे हमें एक दिया है रोडो कोनार, उसने कुछ बोला है, द स्नोफ्लेक्स फॉल्स, स्नो फ्लेक फॉल्स येट ले नॉट लॉन्ग। स्नो होता है तो ज्यादातर समय तक वो टिकता नहीं है। इट्स फिट री ग्रेप्स ग्रेस्प ऑन मदर अर्थ, अर्थ अर सन रिटर्न इट टू द वेपर। जैसे ये ऐसा बता रहा है दोस्तों कि भाई ये स्नो हो रहा है, यहाँ पे अर्थ पे गिर रहा है, ये लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे नहीं रहता। सन आता है और उसको गर्म करके वेपर बना देता है और वापस कहाँ ले जाता है, उसको क्लाउड्स में ले जाता है और क्लाउड्स वापस स्नो फॉल्स करते हैं। तो ये एक तरह से हमारा वाटर है, वाटर, उसको आपने क्या किया, कंडेंस किया, इवेपोरेशन किया, कंडेंस करके लिक्विड बनाया और इवेपोरेट करके गैस बनाया, वेपर बनाया। तो ये एक तरह से समझाना चाहता है कि भाई हमारा जो मैटर है वो एक फेज में से दूसरे फेज में कन्वर्ट भी हो सकता है। आपको शायद पता होगा कि भाई इसके अंदर ऐसे कौन सी चीजें होती हैं, क्या डिफरेंस है दोस्तों मॉलिक्यूल और एटम में, या तो मैटर और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है? तो हम बता रहे हैं आपको कि जब भी आपने देखा है कि ये, सपोज मैं बता रहा हूं, ये H2O है, ये सिंगल मॉलिक्यूल है, बरोबर? तो क्या ये मैटर है? ये मैटर है तो नो, सिंगल मॉलिक्यूल इज नॉट कॉल्ड अ मैटर। तो मैटर कौन है? बंच ऑफ दिस मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल का जो बंच होता है ना उसी को ही हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जैसे पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होके जो बन जाता है उसको मैटर बोला जाता है। दूसरी चीज, H2O मॉलिक्यूल की बात की जाए अकेला सिंगल,
तो क्या उसमें कोई मैटर का स्टेट होता है? ये क्या सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है? तो कभी नहीं होता। सिंगल मॉलिक्यूल कभी भी किसी भी फेज में नहीं दिखता हमें, लेकिन बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होके वो सॉलिड, लिक्विड और गैस दिखाई देता है हमें। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है दोस्तों। आगे जा रहे हैं, हमको पता है कुछ तरह से कि ये सॉलिड स्टेट जब भी देखते हैं तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका अरेंजमेंट बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। कैसा होता है दोस्तों? सिस्टमेटिक होता है। अगर वो सिस्टमेटिक होता है तो हम क्या बोलेंगे? सॉलिड के अंदर सिस्टमेटिक अगर होता है तो उसका अरेंजमेंट इतना बढ़िया तरीके से है कि जिसकी वजह से ये सॉलिड है। अब ऐसा सॉलिड के अंदर उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं। लिक्विड को हम जनरली ऐसे कोई बीकर या तो कोई कंटेनर में दिखाते हैं, यस और नॉट? तो उसके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? थोड़े से दूर होते हैं, फार होते हैं एक दूसरे से। और गैस को हम ऐसे क्लोज कंटेनर में दिखाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल उससे भी फार होते हैं। तो दोस्तों ये जो हमें कुछ मैटर का टाइप मिलते हैं वो टाइप के अंदर हम बोल सकते हैं कि भाई ये मैटर जब भी सॉलिड, लिक्विड और गैस में कन्वर्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? यस, स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात की जाए। चलो अब यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तो है, लेकिन एक चीज़ आपको पूछी जाए कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी रहेगी तीनों की? तो वो होगी डिफरेंट। वो कैसी होगी? डिफरेंट होगी दोस्तों। कैसे डिफरेंट होगी? फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सी चीज़ आती है? तो उसका स्टेट पहले आ जाता है। पानी का अगर स्टेट है तो ये सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। दूसरी चीज़ उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी बदल जाती है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? फिजिकल प्रॉपर्टी में। लेकिन कोई पूछेगा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? पानी की ही बात कर रहा हूं मैं। ये सपोज मैं बोल रहा हूं H2O सॉलिड है, ये H2O लिक्विड है और ये H2O गैस है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर अगर कोई आपको पूछेगा, क्या पूछेगा दोस्तों? कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है? तो सेम रहती है। कैसे सेम रहती होगी और क्यों सेम रहती होगी? क्योंकि सब में उसका स्ट्रक्चर तो क्या है? स्ट्रक्चर क्या है इसका? H2O ही है। H2O और H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका H2O ही है, इसीलिए ये जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती। जो ये रिएक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग ही क्या अगर आपका पानी है, पानी सपोज किसी के साथ रिएक्शन करता है तो आइस उसके साथ रिएक्शन करेगा? तो करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्लो करेगा। दूसरी चीज़ कि भाई उसके साथ अगर जिसके साथ वाटर अगर रिएक्ट करता है उसके साथ आप वाटर का वेपर का रिएक्शन करवाओ तो क्या वो करेगा? तो करेगा, थोड़ा सा फास्ट करेगा। तो ऐसा थोड़ा डिफरेंट आता है, लेकिन रिएक्शन मतलब केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो कभी चेंज नहीं होती। समझ में आ रहा है? और इसीलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तीनों जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे तीनों में से हम सिर्फ
लिक्विड एंड गैस स्टेट को ही समझने वाले हैं ये चैप्टर के अंदर। तो सर सॉलिड स्टेट होगा वो क्या करेंगे, तो वो हम 12th में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमें लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में ही स्टडी करना है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तो इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन क्या पढ़ेंगे दोस्तों। यस, कभी कभी आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि कोई भी सब्सटेंस सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है, लिक्विड है तो लिक्विड क्यों है, गैस है तो गैस क्यों है। उसके ऊपर सीधा इफेक्ट किसका होता है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और दूसरा भी है एक, वो क्या है, मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन, यस दोस्तों। और एक तीसरी चीज भी है उसके अंदर कि भाई एनर्जी ऑफ, इफेक्ट ऑफ थर्मल एनर्जी ऑन मोशन। ऑन व्हाट मोशन, हाँ दोस्तों, जब मॉलिक्यूल मोशन में होता है उसकी एनर्जी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग भी ये फेस जो है वो कौन से टाइप का मिलता है वो हमें समझ में आ जाता है। इसीलिए हमें विच स्टेट वी कैन गेट हियर, तो ये तीन चीज़ों पे डिपेंडेड है। उसमें से सबसे पहला कुछ दिया हुआ है आपको, टॉपिक है ना पहला वाला, उसका नाम क्या है, इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस। चलो अब ये इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस क्या है दोस्तों, जो मोलेक्यूल एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन कर रहे हैं, मोलेक्यूल वन और मोलेक्यूल टू, ये दोनों के बीच का क्या चीज है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। ये दोनों को आप लोग क्या बोलोगे, इंटर मोलेक्युलर फोर्सेस, याद रखना। पहला सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, यस, इसके अंदर कुछ तरह से कुछ ऐसे फोर्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा क्या है कि कोवेलेंट फोर्सेस, वो इसमें नहीं आते है ना। तो कौन से बोला, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कोवेलेंट फोर्सेस, इसके अंदर काउंट नहीं होते। जैसे आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारा NaCl है, तो क्या इसमें इंटरमोलेक्युलर अट्रैक्शन फोर्स हुआ, इसमें मतलब कि इसमें Na एंड Cl के बीच में, तो कभी नहीं। H2O है तो H2O के ये H एंड O के बीच में, H एंड O के बीच में, कभी नहीं। तो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस H2O और H2O के बीच में लगता है, समझ में आ रहा है, किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के दो एटम के बीच में नहीं लगता। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयोनिक फोर्स, और ये कोवेलेंट फोर्स इंटर मोलेक्युलर फोर्स में हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अलग से समझ में आया आपको कि ये कैसे टाइप का है, यस। अब यहाँ पे पहले वाले आपके फोर्सेस आ रहे हैं कौन से, अट्रैक्टिव इंटर
मोलेक्युलर फोर्सेस। तो ये अट्रैक्टिव इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस को कौन से फोर्सेस बोला जाता है? वैन डेर वाल्स। कैसा? डेर वाल्स, वैन डेर वाल्स, नाम सुना है? तो यस। अब ये वैन डेर वाल्स क्या है? तो ये वैन डेर वाल्स वेरी वीक फोर्स, वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो दैट इज कॉल्ड वैन डेर वाल्स फोर्स। अब इसमें थोड़ा बहुत वैन डेर वाल्स क्या है, और वैन डेर वाल्स एक बेचारा साइंटिस्ट है, यहाँ पे लिखा है डच साइंटिस्ट जोहानिस वैन डेर वाल्स, है ना? ये साइंटिस्ट ने ही ये फोर्स देखा था कहीं पे, और उसके अकॉर्डिंग उसका नाम ही क्या दे दिया, यस। और इसी से ही उसने क्या दिया था हमें, डेविएशन इन डेविएशन इन आइडियल गैसेस टू रियल गैसेस। अच्छा, ये आइडियल गैस आता है, नाम सुना है आइडियल गैस? यस। जैसे आइडियल स्टूडेंट आता है, वैसे आइडियल गैस आता है। इसके अकॉर्डिंग ये आइडियल है और ये रियल है, तो ये दोनों में डिफरेंट डेविएशन जो हो रहा है वो किसने पहले फाइंड किया था? वैन डेर वाल्स ने। तो ऐसा ये फोर्स के अकॉर्डिंग उसने समझाया था। और ये आइडियल और रियल गैसेस क्या है वो हम ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे बाद में, और उसका डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अब आगे देखो कि भाई वैन डेर वाल्स फोर्स जो होता है अच्छा उसका प्रोपोर्शन किस पे डिपेंडेड है? तो एक है, पहला कौन सा है, डिस्पर्शन फोर्स है ना, कौन सा है? यस, डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स। तो हम उसको नेक्स्ट पेज पे ही जा रहे हैं। डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स, दोस्तों इफ यू वांट टू मेजर द अमाउंट ऑफ वैन डेर वाल्स फोर्स वी मस्ट अंडरस्टैंड विच काइंड ऑफ अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल इज ऑब्जर्व। फर्स्ट इज व्हाट? यस, डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स। अब ये डिस्पर्शन क्यों बोला जाता है, या तो इसको लंदन फोर्स क्यों बोला जाता है, वो भी हम थियरी को एक्सप्लेन करेंगे, वो तब आ जाएगा नीचे, है ना। दूसरा है कौन सा? डाइपोल, डाइपोल फोर्स। और थर्ड वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, तो ये तीन तरह के फोर्स हमारे किस में आते हैं? वैन डेर वाल्स फोर्स में आते हैं। चलो, समझ में आ रहा है कि दे आर इन द वैन डेर वाल्स फोर्स। अब आगे हम देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाइपोल, डाइपोल फोर्स जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के जैसा फोर्स बनता है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पोलर होने चाहिए। अब मैंने बताया कि किसी भी वैन डेर वाल्स फोर्स के लिए आपको दो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वन और मॉलिक्यूल टू, ये सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं, जब किसी कंटेनर में इकट्ठे होते हैं तो वो सबके बीच में एक तरह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। दैट इज वेरी वीक अट्रैक्शन फोर्स एंड इट इज कॉल्ड वैन डेर वाल्स फोर्स। और ये वैन डेर वाल्स फोर्स
को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स या डाइपोल डाइपोल या तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। अब ये डाइपोल बनेगा, इंड्यूस डाइपोल बनेगा कि डिस्पर्सन बनेगा, उसका डिपेंडेंट किस पे है तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ही लिख लेता हूँ तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो इसके अंदर नॉन पोलर एंड नॉन पोलर, हाँ दोस्तों, दोनों नॉन पोलर होंगे तब जो बॉन्ड मिलता है हमें, तब जो अट्रैक्शन फोर्स मिलता है हमें, वो दोनों के बीच में जो वांडरवाल्स बॉन्ड बनता है दैट इज अ लंदन फोर्स। अब लंदन फोर्स क्यों बोला है या तो डिस्पर्सन क्यों बोला है वो तो हम वो थियरी में पढ़ेंगे, लेकिन इनिशियली आपको इतना पता होना चाहिए। अगर दोनों नॉन पोलर हो तो अब आपको पता है दोस्तों नॉन पोलर कौन कौन है, तो जिसके जे मॉलिक्यूल के अंदर एटम सेम है, ऐसा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2N2O2Cl2F2Br2 N2 एटसेट्रा, और आपके कुछ ऐसे भी है CO2BeCl2 है कि नहीं है, BeF2 भी आ जाएगा, सही है, और ऐसे ही आपके BeCl3, ये सब जो है वो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ही है। पोलर कौन है कुछ तरह से ये आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड कर सकोगे ना दोस्तों। और जब भी कोई भी थियरी पढ़ रहे हो तो आपको उसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत आवश्यक रहता है दोस्तों, और अंडरस्टैंड करने के लिए आपको वो सारे वर्ड्स समझ में आने चाहिए। क्लियर है डियर फ्रेंड्स? तो इसीलिए चलो, पोलर में कौन आता है सर? H2O इज़ द पोलर, अमोनिया इज़ द पोलर, HF इज़ द पोलर, और अनदर वन HCl इज़ द पोलर, NF3 हमने देखा था ना, इट इज़ ऑल्सो पोलर, NO2, दिस इन विच कंपाउंड द एलिमेंट्स अटैच विच ईच अदर विद द कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग मोर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? इसीलिए तब वो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो, समझ में आया? मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल हमें लेना है तो ए और ए, लेकिन यहाँ पे ए और बी, अब ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है और इसकी सेम है। ऐसे मॉलिक्यूल ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, और इसमें तो हमने वो बॉन्ड पोलारिटी में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा भी है। चलो क्लियर है, अभी हम आगे जाना चाहते हैं। सबसे पहला बॉन्ड हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे, और वो है अपना कौन सा वाला, यस डिस्पर्सन फोर्स और लंदन फोर्स। दोस्तों अब ये फोर्स समझना है हमें तो मैं पहले जनरली समझा देता हूँ कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, उसके बाद थोड़ा सा हम टॉपिक को रीड भी कर लेंगे। चलो ये एक एटम है, एटम ए, एटम ले लो मॉलिक्यूल ले लो नो इश्यू, और ये है एटम बी। ओके, यहाँ पे लिया हुआ है ऐसे, हाँ। अब ये एटम खुद है अकेला, इसीलिए उसके अराउंड में ये जो आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये तो पता है ना आपको कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कुछ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है। और एटम जब होता है, सिंगल होता है, अकेला होता है, या तो मॉलिक्यूल अकेला होता है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलोगे,
या तो चार्ज क्लाउड भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चार्ज क्लाउड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल में है और नेगेटिव चार्ज जो है वो अराउंड में है। अब क्या होता है, यस, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि भाई सपोज ये दोनों अभी पोलर नहीं हैं, लेकिन क्या हुआ अगर ये इसके साथ रहता है, दो फ्रेंड्स की बात करते हैं हम, दो फ्रेंड्स, तो उसके अंदर सपोज वो दोनों पढ़ाई कर ली 12th तक की कर ली, और अपने अपने हिसाब से वो दोनों अलग अलग जगह पे पढ़ने चले गए, फ्रेंड ए और फ्रेंड बी थे। फ्रेंड ए के साथ अब वो हॉस्टल में रहता था, तो उसके साथ भी कोई अनदर फ्रेंड बी आया, समझ में आ रहा है, और इसके साथ भी आया। तो अब ये जो फ्रेंड ए है ये दोनों अभी साथ में रहने लगे, ये जो ए था ना ए वाला, वो जब तक घर पे था तब तक बहुत ही उसका जो ऑरा है, ऑरा तो पता है ना, नहीं पता, ये जैसे एटम है उसका ये ऑरा बोलते हो आप, ये सर्कल दिखा दे रहे हैं, कृष्ण भगवान विष्णु भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनके पीछे कुछ चक्र घूमता है ना, उसको ऑरा बोला जाता है। तो ऐसी ऑरा यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब ये पूरी सिमेट्री है, यस, मतलब वो बच्चा जो है वो धार्मिक है, संस्कारी है, कुछ भी गलत आदत नहीं है, किसको, ए को। अब उसकी दोस्ती किसके साथ हुई, कोई दूसरे बच्चे बी के साथ हुई, है ना, वो भी उसके जैसा है, हाँ, ये भी घर से आया तब वो कैसा था, धार्मिक ही था और संस्कारी था, सुबह में उठ के पूजा पाठ करता था, हाँ, तो ये सारे जो प्रॉपर्टी है उसके पास थे। लेकिन कुछ दिन वो दोनों साथ में रहे तो जो बी था उसका थोड़ा थोड़ा मन विचलित होने लगा, क्योंकि वो दूसरों दूसरे बच्चों के संपर्क में था कहीं और, है ना, तो इसीलिए इसका मन जो था वो बाहर गया, घर से बाहर गया, तो उसका मन विचलित होने लगा कि वो सोचता है कि अभी मैं फ्री हो गया हूँ तो अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो थोड़ा थोड़ा उसका जो चार्ज है, चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिमेट्री में था उसको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इसीलिए वो क्या बनता है पता है, यस दोस्तों, वो अपना जो चार्ज है किसी एक तरह एक साइड पे ले जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उसने ये नेगेटिव एंड, तो आपकी फिगर में यहाँ पे दिख रहा है ब्लू ब्लू कलर दिख रहा है ना, तो दैट ब्लू कलर इज कॉल्ड अ चार्ज क्लाउड। तो ये जो है वो थोड़ा बिगड़ा बी वाला, अब ये कंपल्सर हर रोज इसके साथ रहता है ना ए के साथ, तो वो हर रोज कहीं घूमने जाता है बी वाला, तो आके इसको बात करता है कि मैं आज मूवी देखने गया था, आज पूरे दिन ये किया, घुमा फिरा, मजे किए, तो ये सब कुछ इस पे कोई स्टार्टिंग में तो असर नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे वो भी क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, और इसकी वजह से उसको भी थोड़ा सा मोबाइल देखता है तो चलो एक गेम खेल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उसमें भी क्या दिखाई दिया, जो उसका चार्ज क्लाउड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और दूसरी चीज़ कि ये जो पहला वाला मॉलिक्यूल है उसका जो पॉजिटिव चार्ज था उसकी ओर ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज रहता है, और इसीलिए क्या होगा, ये दोनों के बीच में क्या रहेगा, एक अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, और दैट अट्रैक्शन फोर्स इट इज कॉल्ड डिस्पर्सन फोर्स। ये डिस्पर्सन हुआ,
कि भाई एटम ए का जो चार्ज था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो इसीलिए डिस्पर्सन हुआ। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इट इज़ अ डिस्पर्सन फोर्स। क्लियर। दूसरी चीज़, लंदन फोर्स क्यों बोला? सबसे पहले फ्रिट्स लंदन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसीलिए फ्रिट्स लंदन, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? लंदन फोर्स। और ये दोनों नॉन पोलर, मतलब संस्कारी बच्चे थे, वो पोलर बन गए, मतलब पोलर मतलब नॉन संस्कारी, ऐसा कह सकते हैं ना हम, तो थोड़ा थोड़ा तो कह ही सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ये जो था आपका क्लाउड, ये कौन सी ओर गया? यस, इस ओर गया है, ये भी इस ओर ही गया है ना, यस। तो ये दोनों का क्लाउड ऐसे है। नीचे थर्ड फिगर जो दिया है वो कैसा है? तो वो कुछ भी नहीं है, वो उल्टा फिगर है। ये फिगर में ऐसा बता रहा है कि अगर आपका ये इसमें पॉजिटिव चार्ज इस साइड गया है तो नेगेटिव चार्ज इस साइड जाएगा, अगर इसका पॉजिटिव इस साइड है तो उस इसका कौन सा चार्ज होगा? यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। और ये पॉजिटिव, ये दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो उसको क्या बोला जाता है? यस, लंदन फोर्स बोला जाता है। रेडी दोस्तों, अब हम थोड़ा टॉपिक को भी ऑब्जर्व कर ले तो ज़्यादा मज़ा आएगा कि भाई कैसे क्या रहता है उसमें। चलो, एटम एंड नॉन पोलर मोलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल, है सिमेट्रिक, यस, एंड हैव अ नो डाइपोल मोमेंट, क्योंकि उसके ऊपर, क्योंकि वो क्या है, नॉन पोलर ही है, इसलिए डाइपोल मोमेंट जीरो है। बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसा है? सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। बट द डाइपोल में डेवलप मोमेंटरली, यस मोमेंटरली, अंडरलाइन कर लेना, इवन इन अ सच एटम एंड मोलिक्यूल, यस। थोड़ा डाइपोल, ये किसी एक में क्या हुआ? मोमेंटरली डेवलप हुआ, हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे? तो उसके बाद किसी एक में, इसमें से जो पहले वाले फिगर में आपके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एटम ए विद द इंस्टेंटेनियस डाइपोल, थोड़ी देर के लिए ये डाइपोल बना है ना, ओके, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड, क्या राइट हैंड साइड पे ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें? और दूसरी चीज, ये क्या लिखा है इसके नीचे? तो देखो, तो वहां पे लिखा है कि ये इंड्यूस डाइपोल, ये इंड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रेरित, इसको देख के ये प्रेरित हुआ। हमने तो ये बताया कि ये बी को देख के ये प्रेरित हुआ, समझ में आया? कोई बात नहीं है, तो किसी एक से प्रेरित दूसरा होता है, तो इसीलिए ये चीज आप लोग ध्यान में रखो थे। दिस कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलो, सपोज वी हैव अ टू एटम ए एंड बी इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ ईच अदर, इट मे नॉट हैपन दैट मोमेंटरली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वन ऑफ द एटम से ए बिकम अनसिमेट्रिकल, इसमें से ए अनसिमेट्रिकल बना, हमने समझाया उसमें बी अनसिमेट्रिकल बना, समझ में आया? देन द चार्ज क्लाउड इज मोर ऑन वन साइड देन द अदर साइड, दिस रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस डाइपोल ऑन द एटम ए, इसीलिए इसको क्या बोलोगे आप लोग? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, थोड़े टाइम के लिए है ना, और फास्ट, ये क्या हुआ उसमें? यस, चार्ज क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इज अ वेरी फोर्स डाइपोल, वेरी शॉर्ट टाइम। दिस इंस्टेंटेनियस और द ट्रांसियंट डाइपोल डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द अदर एटम्स बी, अब क्या हुआ इसको, वो किसको डिस्टॉर्ट करता है? बी को, बगल वाले को, और इसीलिए विच इज क्लोज टू इट, वो उसके नजदीक जाता है, एंड एज अ कंसिक्वेंट अ डाइपोल इज इंड्यूस्ड इन द एटम बी, ये इंड्यूस का मतलब क्या होगा? इसमें प्रेरणा मिली उसको कि भाई यस, मुझे भी इसके जैसा होना चाहिए। द टेम्पररी डाइपोल ऑफ
एटम ए एंड एटम बी अट्रैक्ट ईच अदर. सिमिलरली टेम्पररी डाइपोल आर इंड्यूस इन मॉलिक्यूल ऑल्सो. ऐसे एटम में होता है वैसे मॉलिक्यूल में होता है. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द जर्मन फिजिसिस्ट फ्रिट्ज लंडन. फ्रीज नहीं है ये, फ्रिट्ज, लेकिन याद रखना फ्रिज लंडन. एंड फॉर दिस रीजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू टेम्पररी डाइपोल इज नोन एज लंडन फोर्स. इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, टेम्पररी डाइपोल को हम लंडन फोर्स बोलेंगे. अनदर नेम फॉर दिस फोर्स इज डिस्पर्सन फोर्स. इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, डिस्पर्स. दिस फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स. अब ये एक अलग से कुछ फॉर्मूला जैसा आया आपके भी यहाँ पे भाई. देखो दिस फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी इज अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेस टू सिक्स. हाँ दोस्तों, डिस्टेंस पावर ऑफ टू इंटरेक्टिंग पार्टिकल वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल. ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आर बोला जाता है ना, समझ में आया. तो ये एक अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिंग एनर्जी का डिस्टेंस से ये दोनों का रिलेशन है, वो याद रखना है आपको. दिस फोर्स आर इम्पोर्टेंट ओनली एट अ शॉर्ट डिस्टेंस. यस, ये कितने डिस्टेंस पे, ये एमसीक्यू बन जाते हैं थोड़े थोड़े, 500 पिकोमीटर जितने शॉर्ट डिस्टेंस पे ही ये फोर्स लगते हैं. अगर मॉलिक्यूल थोड़ा सा दूर चला जाएगा तो ये फोर्स मिलते ही नहीं आपको, इसलिए स्पेसिफिक डिस्टेंस पे और नज़दीक जितने होंगे उतने वो ज़्यादा मिलते हैं. एंड देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड ऑन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल. कितना प्रपोर्शन, मैग्नीट्यूड मतलब ये कितने प्रपोर्शन में मिलेगा, तो वो कितना आपका मॉलिक्यूल कितना पोलराइज होता है उसके ऊपर डिपेंड है कि कितना पॉजिटिव नेगेटिव बन सकता है, कितना चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट अच्छे से कर सकता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है. क्लियर है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी. अब दूसरा आ रहा है दोस्तों, हाँ मैं बताता हूँ, डाइपोल और डाइपोल फोर्स आएगा तो दोनों कैसे मॉलिक्यूल होंगे. यस, दोनों पोलर, पोलर एंड पोलर याद रखा है. और डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल आएंगे तो पोलर एंड नॉन पोलर. यस दोस्तों, दो फ्रेंड की कहानी तो आपको याद ही है ना, उसको हम आगे ले जा रहे हैं. चलो क्लियर. अब आ रहे हैं हम नंबर टू, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस. यस दोस्तों, ये दोनों दोस्त है अभी पढ़ने के बाद कहाँ गए, बाहर हॉस्टल में चले गए, लेकिन वो पहले से ही कैसे है, पहले से ही कैसे है बेचारे, बिगड़े हुए ही है. सही है, बिल्कुल सही है, है बराबर है. H और Cl, ये Cl नेगेटिव होता है ना, इसीलिए इसको हम डेल्टा माइनस बोलते हैं और इसको डेल्टा प्लस बोलते हैं. तो पोलर बन गया कि नहीं, बन गया. ऐसा मॉलिक्यूल आपका जो भी रहता है उसको आप क्या कहते हो, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, और इसके अकॉर्डिंग ये दूसरा मॉलिक्यूल H एंड Cl अगर आप देखोगे तो ये भी मिलेगा कि नहीं,
सिंपल लॉजिक है दोस्तों, दोनों बिगड़े हुए हैं और वो दोनों के बीच के जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको क्या बोलोगे आप? डाइपोल, डाइपोल फोर्स। बस इतना तो ध्यान में रख सकते हो। अब दूसरी चीज पढ़ लेते हैं। डाइपोल डाइपोल एक्ट बिटवीन द टू मॉलिक्यूल पसेसिंग परमानेंट डाइपोल, जिसमें परमानेंटली डाइपोल होता है ना, ऐसे ही मॉलिक्यूल में ये अट्रैक्शन फोर्स, ऐसा वाल्डरवाल्स फोर्स मिलता है। एंड्स ऑफ द डाइपोल फोर्सेस पार्शियल चार्ज एंड दिस चार्ज आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा, है ना। जब ये दोनों का जो एंड्स है, दोनों के डाइपोल हाइड्रोजन और सीएल का, उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? पार्शियली चार्ज डेल्टा लगाते हैं, आर शोन बाय ग्रीक लेटर डेल्टा। ओके, पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। दोस्तों वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है दोस्तों? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, यस और नॉट? यहाँ पे भी सर ऐसा ही तो हुआ है। तो ये H और Cl, समझ लो मैं बता रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द Cl, तो इसीलिए Cl पे नेगेटिव चार्ज तो आया, मतलब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन तो आए, लेकिन पूरा इलेक्ट्रॉन आया होता तो हम बोलते कि इतना चार्ज उसके पास आया, यस और नॉट? लेकिन यहाँ पे जो आया वो कितना आया? उससे कम, पार्शियली है ना। कब आता है पूरा? तो जब वो Cl माइनस के फॉर्म में मिलता है तब। तो इसीलिए हम ऐसा बोलेंगे कि जो चार्ज है, पार्शियल चार्ज आर ऑलवेज लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑफ 1.6 × 10⁻¹⁹। यस, तो ये माइनस डेल्टा जो है इज लेस देन 1.6 × 10⁻¹⁹। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, एमसीक्यू बन जाता है इसका। द पोलर मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद द नेबरिंग मॉलिक्यूल शोन इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन इन द डाइपोल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन फिगर 5.2b, है ना। ये बी वाले में दिख ही रहा है आपको, ये ए है और ये बी है। चलो आगे जा रहे हैं। शो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन टू HCl मॉलिक्यूल, दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन द लंडन फोर्स। दोस्तों ये क्या, क्यों लंडन फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? डाइपोल डाइपोल फोर्स इज ग्रेटर देन लंडन फोर्स, बराबर, बट इट इज वीकर देन आयन आयन इंटरेक्शन बिटवीन ओनली पार्शियल चार्ज आर इन्वॉल्व, बराबर। दूसरी चीज, द अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज इन विद द इंक्रीज इन द डिस्टेंस। ये तो पता है ना, जितना ये दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा उतने ये फोर्स क्या होंगे? लेस होंगे। और लेस होंगे तो हम क्या बता सकते हैं? एज इन एबो केस, हियर ऑल्सो द इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। सिमिलर जैसे उसमें दिखाया ना हमने, इंटरेक्शन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। देखो यहां पे क्या लिखा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी फेज, हाँ, 1/r³, लेकिन किस में? यस, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है? और अगर जो रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल होगा, कौन सा? रोटेटिंग, वो R6 के इन्वर्स में होता है। रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल। अरे भाई समझ में आ रहा है? बी साइड, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन द पोलर मॉलिक्यूल कैन इंटरैक्ट बाय लंडन फोर्स,
ऑल्सो, तो इसमें आपको समझ में आ रहा है, इसमें लंदन फोर्स भी होता है। इट्स ऑल्सो कंटेंट्स लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल में, ओके। और लास्ट, दस द कुमुलेटिव इफेक्ट इज दैट द टोटल ऑफ इंटर मोलिकुलर फोर्सेस इन पोलर मोलिक्यूल इंक्रीज। इसीलिए पोलर मोलिक्यूल जो होते हैं, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स जो होता है, इसमें वो खुद का तो इंटरेक्शन होता ही है, लेकिन कौन सा होता है, लंदन फोर्स भी होता है। इसीलिए ये कैसा मिलता है, ज्यादा मिलता है और थर्ड बना रहा है। कुछ समझ में आया दोस्तों? यस। तो थर्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। दोस्तों आपको समझ में आया कि इसमें कैसे दोस्त होंगे वो दोनों, एक तो बिगड़ा हुआ ही है बेचारा बेचारा। हाँ, ये नेगेटिव एंड उसका बनाया और ये पॉजिटिव एंड बनाया, समझ में आ रहा है। तो ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा। लेकिन इंड्यूस डाइपोल के लिए एक क्या होगा, नॉन पोलर, जिसका क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट है। अब अगर ये इसके कांटेक्ट में रहता है तो क्या होगा दोस्तों, वो भी बिगड़ेगा ना? अरे बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा बताओ। यस, बिगड़ेगा भाई। तो ये भी बिगड़ेगा, तो इसका जो नेगेटिव एंड है इसकी साइड पे, इसका कैसा एंड आएगा, पॉजिटिव एंड आएगा, है ना? तो ये सिर्फ इतना बता रहे हैं हम, ये क्या निकल रहा है, हाँ कुछ भी नहीं है। चलो तो दोस्तों यहाँ पे ये आपका पोलर था पहले से ही, और ये नॉन पोलर था, वो क्या हो गया, इंड्यूस डाइपोल। समझ में आ रहा है, इंड्यूस होना मतलब क्या, प्रेरित होना, उसको उसको देख के उसके जैसा होने का मन किया। रेडी दोस्तों, कुछ ज्यादा उसमें चर्चा है नहीं। अच्छा, कुछ बच्चों को ऐसा क्वेश्चन भी होता होगा कि भाई ये अगर पोलर है तो वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं नॉन पोलर के जैसा बन जाऊं। लेकिन दोस्तों ऐसा आप देखोगे, आप लोगों की भी मैं बात कर देता हूं कि भाई अभी आप लोग घर पे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हो, एग्ज़ाम भी दे रहे हो। आपने आज तक जब भी एग्ज़ाम देते थे 10th तक, तो कैसे एग्ज़ाम दी है? एग्ज़ाम हम देते थे कि भाई टीचर एग्जैक्ट टाइम पे पेपर देंगे हमें, और वो पेपर हम तुरंत ही लिखने के लिए बैठ जाते हैं, और वो पेपर क्या करते हैं, हम टीचर को दे देते हैं लिखने के बाद। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था, तो हम नॉन पोलर ही थे उस टाइम। लेकिन अभी का माहौल कैसा है, अभी का, कि आप घर पे एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी लाने हैं, तो आपके पास बहुत रास्ते हैं। उसमें से आप कौन सा रास्ता यूज़ करते हो, बहुत सारे रास्ते यूज़ करते हो। आपके दोस्त ने बताया कि मैंने पेपर ऐसे लिखा, कैसे, कि मैंने पेपर एक बार देख लिया और फिर लिखा। तो आपको ऐसा लगेगा कि यस मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूं। तो क्या होगा, आप नॉन पोलर थे तो आप पोलर बन गए। एक बार देखा मतलब क्या, एक बार पढ़ लिया पूरा क्वेश्चन आंसर और फिर लिख लिया, मतलब आप पोलर बनना चाहते हो कि नॉन पोलर, वो आप लोग ध्यान रखोगे। दूसरी चीज़ कि भाई कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं, पूरा बुक में से पेपर लिख लेते हैं
कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि अपने दोस्त से पेपर मंगवा के व्हाट्सएप पे, और वो पूरा पेपर लिख लेते हैं। तो वो आदत नहीं थी, वो नॉन पोलर थे। उसको देख के वो जो सामने वाला पोलर था वो कभी नॉन पोलर नहीं बनेगा, लेकिन इस पोलर को देख के वो नॉन पोलर क्या करेंगे, पोलर बनेंगे। समझ गए होंगे आप लोग। तो आप किस में हैं कमेंट्स में, मैं नहीं लिखना बताओ मांगूंगा आपसे, लेकिन आप अपने आप को पूछना कि आप जो नॉन पोलर थे पहले तो नॉन पोलर ही है, कि कुछ तरह से आप पोलर भी बन गए हैं, वो आप अपने आप को पूछना। दोस्तों सिचुएशन कैसी भी हो, हम जैसे हैं और जैसे हमारे संस्कार हैं, जैसी हमारी वृत्ति है, उसको कभी भी बदलना नहीं चाहिए दूसरों को देख देख के, और उसमें भी गलत आदतें तो नहीं आनी चाहिए, ध्यान में रखना दोस्तों। बहुत सारी कंप्लेंट्स है आपकी इसके अकॉर्डिंग। आगे देखते हैं कि भाई डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल एंड द मॉलिक्यूल लैकिंग परमानेंट डाइपोल। लैकिंग मतलब कम होता है, या तो डाइपोल होता ही नहीं, ये दोनों के बीच में ये बन रहा है। परमानेंट डाइपोल इज द पोलर मॉलिक्यूल और परमानेंट डाइपोल ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल इंड्यूस, ये आप लोग इंड्यूस हो गए ना, अगर आपने चीटिंग करना स्टार्ट कर लिया तो आप इंड्यूस हो गए। डाइपोल ऑन द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाय द डीफॉर्मिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिफॉर्म होके पॉजिटिव और नेगेटिव बन के अलग हो जाता है। दस एन इंड्यूस डाइपोल इज डेवलप इन द अदर मॉलिक्यूल, हुआ यस। इन दिस केस ऑल्सो इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू यस। इसमें भी कुछ अलग तो है नहीं दोस्तों, तो हम यहाँ पे ऐसा ही लिख सकते हैं, इंटरेक्शन एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/R6। कुछ समझ में आया दोस्तों? तो ये चीज़, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स अपॉन द डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट इन द परमानेंट डाइपोल एंड द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मॉलिक्यूल। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन यूनिट 4 दैट मॉलिक्यूल हैज अ लार्ज साइज कैन बी इजीली पोलराइज्ड। जिसकी साइज बड़ी होगी, याद रख लो, साइज मोर देन पोलराइज्ड इजीली, चलो के, एंड हाईली पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। तो जितना पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी उतना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। लास्ट पैराग्राफ है उसमें, इन दिस केस ऑल्सो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ डिस्पर्सन फोर्स एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है, इसमें डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और डिस्पर्सन, इसमें भी दोनों रहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन व्हाट, लंडन फोर्स। समझ में आया, जैसे वो भी लंदन फोर्स उसमें था, इसमें से इसमें भी है, डाइपोल डाइपोल में भी था। ओके दोस्तों, दोनों की क्यूमुलेटिव मतलब टोटल इफेक्ट। आगे जा रहे हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड, तो अब ये मैं नहीं समझाऊंगा आपको, वो आपको खुद समझना होगा। बार बार हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और आपको परेशान करता है, पता है ना आपको? यस दोस्तों, तो क्लियर है।
मैंने